Okay, everyone. So in this small video, we'll be discussing about the TCS and QT exam pattern, right? National Qualifier Test. अभी जो ये 25, 26 और आगे भी जो टेस्ट होगा, हमें उम्मीद है ये पैटर्न आपके लिए काफी यूजफुल होने जा रहा है. टोटल आपके पास 180 मिनट्स हैं. 180 मिनट्स में आपके पास 5 सेक्शंस हैं जिसको कि आपको ठीक से टैकल करना है. सेक्शनल टाइमिंग है, राइट? फर्स्ट सेक्शन आपका वर्बल एबिलिटी का है, देन रीजनिंग, देन न्यूमेरिकल एंड देन प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड देन कोडिंग. ठीक है, एक एक करके मैं इसका क्विक डिटेल आपको बताऊंगा. आफ्टर द क्लास, राइट, क्लास के बाद ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा. दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल टू यू. तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस जो मैं लिखूंगा वो, अगर बिकॉज जो पीडीएफ में वही चीजें होंगी जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, मैं जो लिखूंगा वो तुम्हें लिख लेना चाहिए इनकेस तुम्हें उसमें कुछ यूजफुल लगता है तो. ठीक है, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? इस साल अगर आप देखें वेबसाइट, ये उन्होंने लिंक भेज रखा है, ये टीसीएस का ही ऑफिशियल लिंक है, राइट, जिसपे उन्होंने मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है. ठीक है, द मॉक टेस्ट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड. अभी 30 सितंबर के आसपास ये अपलोड हुआ है. ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी अडाप्टिव, देन विल बी, कोई इसमें आपको रफ पेपर नहीं मिलने जा रहा बेटा, राइट? और आपको जो है रफ पेपर, ये जो है ये डेस्कटॉप के फॉर्म में ही होगा, डेस्कटॉप पे स्क्रीन में ही आपको जो है रफ करना होगा. ठीक है, आपको ड्यूरिंग द एंटायर एग्जाम आपको जो है अपनी आईज एग्जाम डेस्कटॉप के ऊपर ही रखनी है. ठीक है, ये ध्यान रखना, यू आर नॉट अलाउड टू मूव योर आईज डाउन. ठीक है, थ्रू आउट तुम्हें अपनी आईज स्क्रीन पे रखनी है. ये दैट इज अगेन अ प्रोटोकॉल ऑफ द टीसीएस टेस्ट, ध्यान रखिएगा इसको आप. तो ये मैं आपको पीडीएफ भेजने जा रहा हूँ, राइट? जिन बच्चों को भी पीडीएफ अगर नहीं मिलता है, राइट, ऐसे तो मैं सर को भेज दूंगा, बट इनकेस अगर किसी को नहीं मिलता और ये वीडियो वो बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं, बिकॉज मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 9319666162. आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे और मेंशन करेंगे अपना नाम, अपना कॉलेज और सिटी, और लिख देंगे काइंडली शेयर द टीसीएस पीडीएफ. ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा. अगर आप ये बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपको मैं पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, राइट? देखो, वर्बल एबिलिटी के जो 24 क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली कहां से आने जा रहे हैं, दे विल बी कंप्राइजिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग. देखो, फिर से किसी का माइक ऑन हो रहा है, प्लीज टर्न इट ऑफ. अंशिका एंड रजत, राइट, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स बच्चों, राइट? ओके, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, क्लोज पैसेज, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, वॉइसेस एंड फॉर्म्स ऑफ स्पीच. ठीक है, मेनली आज की इस क्लास में मैं रीजनिंग और क्वांट को ही डिस्कस करूंगा. ठीक है, वर्बल एबिलिटी आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर दैट, बट यस आई विल सर्टेनली टॉक अबाउट रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग इसकी बात करेंगे. ठीक है, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप उन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हैं तो बिलीव मी टीसीएस का एक क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, राइट? एक कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, हालांकि वो बैंक बहुत बड़ा है, राइट? मेरे ख्याल से दैट इज इन थाउजेंड्स, राइट? उनके में जो क्वेश्चंस हैं दैट इज इन थाउजेंड्स, बट हाँ उसी बैंक से ही हर बार क्वेश्चन निकल के आते हैं. ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर जो आपने क्वेश्चन कराया था एज इट इज आ गया, तो क्योंकि मैं उस बैंक से ही क्वेश्चन पिक करता हूँ, राइट? अलग अलग इंटरनेट पे पोर्टल से जो बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, मैं वहीं से क्वेश्चन पिक करता हूँ. तो इसलिए ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज मेक श्योर कि उसमें से एक एक क्वेश्चन तुम प्रॉपरली कर रहे हो. इस डेढ़ घंटे की क्लास में हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन ना करा पाऊँ, ठीक है? हाँ, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टच करने की, लेकिन क्लास के बाद आप मैक्सिमम चीजों को अपने लेवल पे करेंगे, ठीक है? और जहां कुछ डाउट आएगा तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? आई विल बी अवेलेबल विद यू, डोंट वरी. ठीक है, तो चलिए देखिए, डेटा अरेंजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, राइट? ये सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, क्यूब्स एंड डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल कनेक्टिव्स, वेन डायग्राम एंड इनइक्वालिटीज, राइट? इसके क्वेश्चंस रीजनिंग में दिए जा रहे हैं, दीज आर द टॉपिक्स. ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सबसे बड़ा सेक्शन है आपके पास, सबसे ज्यादा टाइम इसी को अलॉटेड है, राइट? 40 मिनट्स का टाइम है, 26 क्वेश्चंस हैं. दिस कंप्राइजेस ऑफ मेनली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, टाइम डिस्टेंस स्पीड इक्वेशंस, ज्योमेट्री, प्रोग्रेशंस, मेंसुरेशन एंड सो ऑन. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी दे रहे हैं, ठीक है?
और बेस कन्वर्जन के ऊपर भी। आप लोग कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको पता है बाइनरी को बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बेस 2 में या बेस 16 में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो दैट इज द क्वेश्चन ऑन बेस कन्वर्जन, ठीक है। ये जनरली फर्स्ट ईयर में सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के नहीं भी हैं वो भी इन चीजों को पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, मेरी रीडिंग ये कहती है मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म होगा हर सेट में, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान से कर लोगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो आपका 10 क्वेश्चंस 15 मिनट्स का जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है, राइट, इसमें दीज आर द टॉपिक्स जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। आपको मैं पीडीएफ भेजने वाला हूं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। हालांकि इस ईयर के लिए हमारे टीम के जो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस साल के क्वेश्चंस में जो अभी अक्टूबर में होने जा रहा है अभी पेपर, राइट, इसमें स्यूडो कोडिंग एल्गोरिदम और बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, इससे भी क्वेश्चंस ऐड होने चाहिए। ये वो हैं जो लास्ट ईयर तक आते रहे हैं, और इस बार हमें हमारे एक्सपर्ट की रीडिंग ये कहती है कि इस बार आपको इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस मिलने चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दे लीजिएगा, ओके। देन देयर वुड बी टू क्वेश्चंस ऑन कोडिंग, राइट। एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है, 15 मिनट्स एक मिलते हैं, और दूसरा जो आपका आपको 30 मिनट्स के लिए मिलते हैं। हमारा ये मानना है ये वाला आपका जनरली ईजी होता है और ये वाला मॉडरेट टू टफ होता है, ठीक है, मॉडरेट टू टफ होता है। अगर तुमने इसमें एक क्वेश्चन भी कर लिया और इसको तुमने सही तरीके से स्टार्ट भी कर दिया, राइट, तुम्हारी अटेम्प्ट सही है, लॉजिक सही है, तो फिर इस सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस बहुत इजी होते हैं, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, राइट, वन ऑफ द लैंग्वेज, ईदर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और पर्ल, इनमें से किसी एक लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, राइट, और अकॉर्डिंगली आप उसी में प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, जो भी आपको कोडिंग दी जा रही है वो उसी में करेंगे, ठीक है। देन आइए थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करें, पिछले साल के कट ऑफ्स का क्या ट्रेंड रहा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट हाँ, इस बेसिस पे कहीं पे लाई कर सकता है। इंग्लिश में तुम्हारे पास 24 क्वेश्चंस हैं, इसकी कट ऑफ समवेयर 18 गई है, ठीक है। रीजनिंग में तुम्हारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, इसकी कट ऑफ, बिकॉज देखो पता होना चाहिए, एक अच्छे बच्चे को ना पता होता है कि क्या होने जा रहा है और हमें कितना अचीव करने से हम विल बी थ्रू द लाइन, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। तुमने ढेर सारी पढ़ाई कर ली, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, राइट, तुमने, अगर मैंने जैसे इस पेपर को अटेम्प्ट किया और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और मैंने जो है 12 क्वेश्चन एक्यूरेसी से किया, 12 क्वेश्चन मैंने एक्यूरेसी से किया और मुझे पता है कि भाई 18 पे कट ऑफ होने जा रहा है, तो मुझे पता है कि मैं जो है कट ऑफ के आसपास नहीं हूं, तो मैं 6 क्वेश्चन और में मैं ट्राई लूंगा। मेरी बात आपको, आप समझने की कोशिश करें, मैं 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में मैं ट्राई लूंगा, बिकॉज मुझे पता है भाई 12 क्वेश्चन पे तो मेरा एग्जाम नहीं निकलने वाला, ठीक है। सो द स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, राइट, ये जो स्लाइड है ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही तरीके से करेंगे ताकि आप कट ऑफ के को क्लियर कर रहे हैं सेफली। कोडिंग में मैंने 1 लिखा है, बट हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 1 to 1.5, दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया, जो इजी वाला है वो तो होना ही चाहिए ठीक ठाक से। उसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसकी एक अच्छी चीज स्टार्ट करके अगर तुम हाफ भी कर ले रहे हो तो फिर बहुत क्लियर चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे तुम्हारे पास, 10 में से 7 क्वेश्चन तुम्हें सही करने, ये सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, राइट, इजीली अगर आप गूगल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करेंगे इजीली आपको बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे। मिल जाते हैं आपको, बहुत बढ़िया, नहीं मिलते हैं डोंट वरी, मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उस पर मैसेज ड्रॉप करें, किसी भी तरह के आपको असिस्टेंस चाहिए आप नंबर ड्रॉप करें, मैसेज ड्रॉप करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। हालांकि टाइम बहुत कम रह गया है बट स्टिल, तो ये स्ट्रेटजी बिल्डिंग स्लाइड है, ध्यान रखना ये इन नंबर्स को अगर तुम मीट कर रहे हो तो तुम्हारे चांसेस बहुत फेयर हैं, ठीक है। इन नंबर्स को अगर आप मीट कर रहे हैं तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग द रिटन एग्जाम इज वेरी फेयर, ओके, वी कैन बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आर एस प्लीज राइट योर फुल नेम, यस राइट, ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन प्लीज राइट योर फुल नेम, ऑल राइट। चलो देखो, नाउ इज द टाइम जब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो पिछले 5 साल में TCS के बैंक से आए हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो बाद के हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ये बातें मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 15 तक लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और अराउंड 16 से लेकर के अराउंड, राइट, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं क्वेश्चन देख के बता दूंगा, राइट, लेकिन मैं नंबर्स तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा वर्क कर लेना, राइट। ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, पिछले 1.5-2 साल के हैं ये, राइट, जो TCS के टेस्ट से निकाले गए हैं।
16 से लेकर के ऑलमोस्ट 30 तक जो है ये तुम्हारे 2 to 5 years के रेंज में है। बट हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 100% क्वेश्चन TCS के एग्जाम से ही है, ठीक है। पहले इनका नाम जो है वो TCS टचस्टोन टेस्ट हुआ करता था, है ना। हर बार नाम पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। और लास्ट के जो आपके पास 10 क्वेश्चन है, शायद 8 या 10 क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट शायद 38 या 40 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। ये आपके फिर लेटेस्ट से हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने इसलिए बता दिया कि तुम्हें पता होना चाहिए ना, पहले इनको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, ठीक है। विल गिव प्रायोरिटी टू दिस, ठीक है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि मैं तुम्हें एक छोटी सी क्लास में सारा सिलेबस तो नहीं करा सकता, है ना। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा रखा है, जिन लोगों ने रेगुलरली क्लासेस अटेंड की हैं, राइट। मैंने आपके कॉलेज में भी ये सिलेबस कराया है, वेबिनार्स के थ्रू भी कराया है। और अच्छी बात यह है कि इसके वीडियोज भी अवेलेबल हैं। मैं आपको अभी इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जहां से आप, अगर आपने कोई क्लास मिस भी की है, तो आप अभी भी उन वीडियोज को देख करके, और अगर कोई डाउट भी है, तो वहां से उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं बता देता हूँ, राइट। आप अगर YouTube पे जाएंगे और YouTube पे प्रेप मास्टर्स चैनल सर्च करेंगे, ठीक है, प्रेप मास्टर्स चैनल, ठीक है। मेरा स्क्रीन शायद शेयर्ड है, राइट। मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ अभी यहाँ पे बताने की, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्क्रीन, राइट। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो YouTube पे जब आप जाएंगे बच्चों, राइट, सो ऑन YouTube आप सर्च करेंगे प्रेप मास्टर्स, ठीक है। मैं आई थिंक आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी बहुत क्लियरली। सो लेट्स सी, आई विल ट्राई टू है गाइड यू, बिकॉज एक क्लास में जितना टॉपिक है उतना मैं डिलीवर करूंगा, बट उसके अलावा तुम जो भी, तुम में से सिंसियर बच्चे हैं, आगे उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर TCS, आगे भी किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल लिंक होगा, ठीक है। तो आप YouTube ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे इसमें प्रेप मास्टर्स, ठीक है। आई विल जस्ट गाइड यू, ताकि ये सारी बातें तुम्हारे तक कॉन्फिडेंटली पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे YouTube में यहाँ सर्च करने जा रहे हैं प्रेप मास्टर्स, PREPMASTERS, ओके, दिस इज प्रेप मास्टर्स। सो हमने प्रेप मास्टर्स सर्च किया, नाउ दिस इज द चैनल। आप इसमें गए, बहुत सारे वीडियोज इसमें आते रहते हैं, राइट। आप सीधे जाएंगे प्लेलिस्ट में, यू विल गो इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपका फोकस होगा प्लेसमेंट एप्टीट्यूड पे, ध्यान रखना। तुम सीधे प्लेसमेंट एप्टीट्यूड, मैंने इसको आज ही अपडेट किया है, आई हैव अपडेटेड इट टुडे, राइट। तुम देख भी सकते हो, राइट, आई हैव जस्ट अपडेटेड टुडे। आप सीधा इसमें जाएंगे, इसमें आपको मैक्सिमम वीडियोज मिल जाएंगे, राइट, यू विल गेट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो आप यहां से ये सारे वीडियोज, राइट राइट, परसेंटेज, पजल्स, रिमाइंडर, एग्जैक्टली ये वही टॉपिक्स हैं बच्चों जो क्वांट और रीजनिंग में यहाँ से तुम्हारा कवर हो रहा है। क्लॉक्स, कंडीशनल, इंग्लिश के भी कुछ यहाँ पे टॉपिक्स कवर्ड हैं, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेजर तुम्हें टॉपिक्स यहाँ पे कवर दिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको यूज करके और यहाँ से एक अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेस्ट इज योर चॉइस, राइट। फिर आपको देखना आप कितना कर रहे हैं, दैट इज योर चॉइस, बट हाँ, यहाँ से तुम्हें चीजों को देखना चाहिए, ओके। सो आइए, दैट वॉज वन थिंग दैट आई, मुझे लगा आपके सबको जरूर से नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें वो क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है ना, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने तुम्हें बता दिया है कि व्हाट्सएप पे आप कनेक्टेड रह सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप पे अगर आप कनेक्टेड होते हैं, तो अपना नाम, कॉलेज का नाम, सिटी, और आप लिख दीजिएगा किस एग्जाम के लिए आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेंशन योर एग्जाम, ठीक है। अकॉर्डिंगली मेरे व्हाट्सएप में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी होती है, ठीक है, इसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी होती है। तो मैं अकॉर्डिंगली बच्चों को एज पर देयर नीड्स, मैं उनको उस वाले ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप उसमें एप्टीट्यूड लिख देंगे, कंपनी का, जितना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दोगे, तुम्हें उतनी, इस तरह की वर्कशॉप्स में आगे भी करता रहता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहुंचती रहेगी डायरेक्टली, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन डिफरेंट सोशल मीडियाज, राइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा इजिली मिलती रहती है, राइट। दैट्स ऑल। सो लेट अस सी नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द लेटेस्ट ट्रेंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक उसी प्लेसमेंट में तुम्हें मिल जाएगी, परसेंटेज के टॉपिक में इस क्वेश्चन की ट्रिक तुम्हें वहां मिलेगी। उस ट्रिक में क्या मैंने सिखाया है, मैं स्ट्रेट अवे उस पर बात करूंगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गोविंद वॉज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ही वॉज डूइंग रीजनेबली वेल इन हिज बिजनेस, बट वॉज ऑलवेज ऑन एन एक्सपेंशन मोड,
बहुत बढ़िया। मिस्टर गोविंद वॉन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉरपोरेशन एंड हिज बिजनेस बिगैन टू बूम, सो ही डिसाइडेड टू डिप्लॉय मोर पीपल इन हिज प्रोजेक्ट्स। ओके, इफ ही वर टू इंक्रीज हिज लेबर फोर्स बाई 33.33%, वट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द वर्कलोड ऑफ ईच एम्प्लॉय? अगर ये 33% लेबर इम्प्रूव कर देते हैं तो वर्कलोड कितना बढ़ेगा? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है। वर्क इज नंबर ऑफ पीपल राइट इन टू द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब पीपल हैव इंक्रीज्ड बाय 1/3। ठीक है, पीपल हैव इंक्रीज्ड बाय 1/3। ठीक है, तो वर्क फोर्स जो है, ये जो रिडक्शन है, ये जो टाइम, अब कितना कितना टाइम इसका रिड्यूस हो जाएगा, तो 1/3 से अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो 1/4 से दूसरी चीज डिक्रीज होती है, प्रोवाइडेड द वर्क रिमेन सेम। ठीक है, तो 1/3 इज 33.33%, 1/4 इज 25%। तो अगेन इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, तो तुम विद इन सेकेंड, ध्यान से देखो मैंने कितना लिखा और कितना किया है। ठीक है, जिन लोगों ने भी मेरी परसेंटेज की क्लास कर रखी है उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जिन्होंने नहीं की है मैं उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब के इस चैनल पे जाएंगे और यहाँ यही वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। देयर इज नो पॉइंट कि मैं 16 मिनट इसमें फिर से खर्च करूं। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम इसको देख करके और तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, मतलब विद इन सेकेंड्स आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे जब आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है अमिल, मैं तुम्हारा माइक म्यूट कर रहा हूँ, तुमने लेट ज्वाइन किया है, मेक श्योर दैट योर माइक इज म्यूट। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकेंड ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, और आपने देखा है, आपने समझा है कि क्या स्ट्रेटजी है, कितने टाइम में तुम्हें कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने ये भी बता दिया कि इस क्वेश्चन की जो टेक्निक है राइट, उसमें मैंने मोटे मोटे तौर पर स्ट्रेट अवर्ड कर दिया है। जिसने परसेंटेज मेरी क्लास कर रखी है कॉलेज में या ऑनलाइन, तो उनको ये टेक्निक ऑलरेडी पता होनी चाहिए, और अगर किसी को नहीं पता तो मैंने ये बता दी कि कहां से तुम उसको स्टडी कर सकते हो। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये क्या है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये क्या है, क्यूब्स पे बेस्ड है। इफ 2, 3 and 4 कट्स आर मेड पैरेलल टू द फेसेस ऑफ अ क्यूब, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस। अब अगेन इसके लिए अगर मैं स्ट्रेट अवे आंसर तुम्हें बताऊं, तो जितने कट्स हैं एक इंक्रीज कर देना, जितने कट्स हैं 3 हैं एक इंक्रीज कर देना, जितने, ये सब एक्चुअल क्वेश्चंस हैं बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर बार बच्चे कहते हैं सर एज इट इज क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना कि आप इसको कर लेना। ठीक है, कितना हो गया बेटा, दैट इज 60 आंसर। ठीक है, अब अगेन आप सोचोगे सर इसकी टेक्निक क्या है, तो क्यूब्स के ऊपर शायद वीडियो है राइट, मैं कंफर्म कर देता हूं राइट, क्यूब्स पे वीडियो इज देयर। ठीक है, क्यूब्स के ऊपर भी वीडियो है। ओके, तो आपको क्यूब्स का भी जो है शॉर्टकट वहां पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, हालांकि मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक बता देता हूं, बिकॉज यहां पे थोड़ी सी अलजेब्रा है जो बहुत बेसिक है। देखो बता देता हूं, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और आप इस पीस ऑफ पेपर में दो डायरेक्शन है, एक मान लो ये वाई डायरेक्शन है और दूसरा एक्स डायरेक्शन है, तो मैंने वाई डायरेक्शन में 3 कट लगाए। जब 3 कट लगाए तो बताओ कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 में डिवाइड हुआ कि नहीं, इसीलिए जब 2 कट लग रहे थे तो मैं +1 कर रहा था। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में मैंने सपोज करो 3 कट लगाए, या फिर मान लो 2 ही कट लगाए, 2 ही कट मान लो, 2 कट लगाए तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसीलिए हमने उधर जब 3 कट लगाया तो 4 में डिवाइड किया, 3 कट लगाया तो राइट, 3 कट लगाया तो 4 में, और 2 कट लगाया तो 3 में, मतलब टोटल हमारे पास पीसेस कितने आ गए इस पेपर के, आप देख सकते हैं 12 पीसेस आए हैं। ठीक है, तो ये 2D स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ 2D स्ट्रक्चर। जब आप क्यूब की बात करते हैं तो दैट इज अ 3D स्ट्रक्चर राइट। देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा भी ब्लैंकली अगर बताऊं तो जो बच्चे पहले से नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी परेशानी हो जाए, जो पढ़ चुके हैं आई एम श्योर उनको चीजें आसान लग रही होंगी। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, मेरी क्लासेस में वो नहीं थे, तो आई एम श्योर आपको थोड़ा तो चीजों को ग्रैप्स करने के लिए वीडियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, अभी भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने तुम्हें रास्ता भी बता दिया कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो द चॉइस इज योर्स, आप में कितनी डेडिकेशन है, कितनी आप करने की आपके अंदर चाहत है, वो आपको देखना है ना, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, उस रास्ते पे चलना काम आपका है। ठीक है, तो मैंने एक रफ क्यूब बनाया है। अभी इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देख लो, 2 कट लगाए एक डायरेक्शन में, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में 2 कट लगाए। ठीक है,
ये कट नंबर वन, ठीक है, और ये कट नंबर टू। तुम्हें अब क्लियरली दिखने लग जा रहा है कि भाई मैंने दो कट लगाए तो तीन पार्ट में तो क्यूब हो जाएगा, जैसे कि स्लाइसेस हो जाते हैं, है ना, स्लाइस ब्रेड, जो ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं ऐसी तो होते हैं, तीन पार्ट में लग गए, दो कट लगाए तो तीन पार्ट में आ गए। सिमिलरली दूसरे डायरेक्शन में तीन कट लगाया, ठीक है, ये लो दूसरा डायरेक्शन ये ले लेते हैं, तीन कट लगाते हैं इधर, वन टू, है ना, थ्री। थोड़ा सा डायग्राम बहुत सिमेट्रिकल नहीं बना है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। और तीसरे डायरेक्शन में चार कट लगाए, बहुत बढ़िया, ये रहा चार कट हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तीन ही डायरेक्शन तो होती है। सनोज कुमार, राइट, अपना स्क्रीन मत टच करो, एनोटेशंस होती हैं, ठीक है, मैं ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट टच इट, ओके, बी वेरी क्लियर ऑन दैट, सनोज कुमार, ओके। नाउ तो अब मैं इस डायरेक्शन में फिर से चार कट लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, चार कट लगाऊंगा तो अगेन कितने पीसेस बनेंगे बच्चों, पांच पीसेस बनेंगे उस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपको ये दिखने लग जाता है कि टोटल पीसेस कितने होंगे। देखो एक लेयर में कितने पीसेस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, एक लेयर में कितने पीसेस हैं, ट्वेल्व पीसेस हैं, राइट। और अगर आप नंबर ऑफ लेयर्स काउंट करें, कितने लेयर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव इंटू फाइव, तो बहुत क्लियरली तुम्हें दिखता है कि यहाँ पे 60 पीसेस क्यों हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता दिया, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ कई बार अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम करके भी बताया, ठीक है बच्चों, राइट। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स बच्चों, है ना, आप माइक अपना ऑफ ना करें, ऑन ना करें, ठीक है। ये क्यूब्स और क्यूब, अच्छा देखो इसका ये बेसिक्स यहाँ मैंने बता रखा था, बहुत अच्छी बात है, देखो दीज आर दी कॉर्नर्स, इनको एजेस बोलते हैं, ठीक है, दीज आर दी एजेस, ये जो होते हैं ना एजेस होते हैं, टोटल एजेस कितने होते हैं बच्चों, देयर आर 12 एजेस। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स, चार ऊपर चार नीचे, ठीक है। फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस। डाइस आपने देखा है, डाइस में कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। ये क्या है, जहां पे लेंथ विड्थ हाइट सब बराबर है वो क्यूब है, और जहां पे लेंथ विड्थ हाइट डिफरेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चंस टीसीएस बहुत सालों से इस पे क्वेश्चंस देता रहा है, ठीक है, अभी भी आ रहा है, आज से 12 साल पहले जब मैंने एग्जाम दिया था टीसीएस एंट्रेंस का वहां पे भी था, ठीक है। तो इस पे और भी बहुत सारे एग्जाम्स तुम्हें क्यूब क्यूबॉइड पे क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है तुम्हारे एप्टीट्यूड का पार्ट का, ये कई बार रीजनिंग में भी आता है, कई बार क्वांट में भी आता है, ठीक है, तो दोनों जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखेंगे आप। मिनिमम एंड मैक्सिमम कट्स, राइट, इसके बारे में मैंने वीडियो में बात कर रखी है, आप प्लीज वहां से देखेंगे, राइट, मैं ज्यादा ज्यादा कवर करना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये कुछ क्यूब्स का ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है, ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो आप वहां से भी इसको शेयर करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। इस पे पार्टनरशिप, इस पे कोई वीडियो नहीं बना हुआ है तो इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत इजी टॉपिक है, जितने डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जनरली मैंने उस पे जानबूझ के वीडियो पहले बना दिए थे, ताकि किसी भी बच्चे को अगर कोई रिवाइज करना है तो वहां से आसानी से कर सके, ठीक है। ये थोड़ा इजी टॉपिक है तो ये अभी तक इग्नोर में चल रहा है, ठीक है, कोशिश करूंगा इस पे भी आगे वीडियो बनाने की, हालांकि ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ पर्पज तो सॉल्व हो ही जाएगा। देखो यहाँ पे हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, देख लो बहुत इजी का कॉन्सेप्ट है और एक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के, तो सर्टेनली आपको बहुत आसानी से सीखना चाहिए। एक्स वाई जेड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वाई हैज द कैपिटल 4 टाइम्स जेड्स कैपिटल, ओके, वाई का जो कैपिटल है वो 4 टाइम्स ऑफ जेड का कैपिटल है, ठीक है, कितना है हमें नहीं मालूम। ऑल्सो ट्वाइस एक्स कैपिटल हैज बीन equal to 3 times of y's capital, बहुत बढ़िया, twice of x capital is equal to what, 3 times of y capital, ठीक है। जो चीज इन्होंने लैंग्वेज में कही उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बताइए टोटल प्रॉफिट अगर 16,500 रुपए का हुआ है, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 16,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ y। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स हम कर सकते थे एज यूजुअल, लेकिन पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए पहले चीजों को प्रॉपरली नोट कर देना अगर तुम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। हालांकि मैंने ये इस वाली चीज को भी तुम्हारे कॉलेज में करा रखा है, ठीक है, आपके क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट भी करा रखा है। ध्यान से देखिएगा, जो पार्टनरशिप होती है इसमें जो शेयर होता है ये दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा ड्यूरेशन, कि आपने उस बिजनेस में टाइम कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। वन इज इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज ड्यूरेशन। क्योंकि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ड्यूरेशन इन्होंने बोला है कि साथ में ही शुरू किया है, इसका मतलब ड्यूरेशन सबका सेम है, ठीक है। मान लो
मैं तुम्हें जनरल कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, तुम्हें मान लो एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, मान लो इसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, इसने 200 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और इसने 300 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। इसे बिजनेस में 2 साल हो गए, इसे बिजनेस में अभी 1 ही साल हुआ है और इसे बिजनेस में फिर से 2 साल हो गए, ठीक है। आपसे बोला गया बताओ इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो प्रॉफिट का रेशियो होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन के रेशियो में होता है, यानी 200:200:600। यानी मैं इसको सिंपल रेशियो में क्या बोलूंगा बच्चों, दिस इज 1:1:3। दैट मीन्स अगर टोटल 5 रुपए का प्रॉफिट है तो उसमें से 1/5 किसे मिलेगा, एक्स को मिलेगा, उसमें से 1/5 किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा, और उसमें से 3/5 किसको मिलेगा, जेड को मिलेगा। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना सा है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ड्यूरेशन इक्वल है तो अच्छी बात है, यहाँ पे सारा का सारा खेल किसमें रह जाएगा, इन्वेस्टमेंट में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा खेल इन्वेस्टमेंट रह जाएगा। तो देखो इन्वेस्टमेंट पे मैं फोकस करूंगा, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे इन्होंने ना रेशियो दे रखी है, दे हैव टेकन द रेशियो, ओके लेट मी टेक इट हेयर। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनका ये रेशियो देखता हूँ। तो ये मुझे दिख रहा है कि वाई अपॉन जेड 4:1 है और एक्स अपॉन वाई दिस इज 3:2। जो भी चीज कॉमन है उसको मैं इक्वेट करता हूँ, जैसे कि वाई यहाँ पे 2 है और वाई यहाँ पे 4 है, तो मैं वाई को इक्वल करूंगा कैसे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। अब क्लियर हो गया क्या कि जब x मेरे पास 6 है, ध्यान से देखो ये तो मैंने एग्जांपल समझाया था, इस केस में अगर मैं देखूं तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, जब x ने 6 इन्वेस्ट किया उस समय y ने 4 इन्वेस्ट किया और उस समय z ने 1 इन्वेस्ट किया, बस इतनी सी बात से ही क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। तुमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द शेयर ऑफ y, तो y का शेयर कितना है, 4 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 11, किसका, 165 का, 165 00। क्या ये इजीली कैंसिल होगा, होना तो चाहिए। आओ देखते हैं, 1 से गया 1500 यानी कि 6000 इज योर आंसर। जिन लोगों को समझ में आया लिखो जरा यस कमेंट बॉक्स में जल्दी से, देखें कितने लोग सो रहे हैं कितने लोग एक्टिव हैं। जिनको भी अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं जल्दी से यस लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में, जल्दी से यस लिख के बताओ, डू इट फास्ट, राइट यस अगर चीजें ठीक चल रही हैं, ओके। बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्स लो, रिस्पॉन्स नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। पेन पेपर के साथ बैठो, बहुत एक्टिवली बैठो। मैंने बोला जितनी चीजें स्क्रीन पे पहले से लिखी हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बस जो चीजें मैं लिख रहा हूं अगर उसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो लिख लेना, बिकॉज वो स्क्रीन पे नहीं लिखी, वो जैसे ये फाइल क्लोज होगी वो सब कुछ इरेज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ओके, ठीक है बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया और एक आपने क्वेश्चन जो आ रखा है वो आपने बहुत आसानी से कर भी लिया। अगेन ये क्वेश्चन भी अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो मुश्किल से क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 से 15 सेकंड ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इट हार्डली टेक्स 10-15 सेकंड, इतना ही काम तो करना था बेटा, इतना सा काम करना था, तुमने रेशियो निकाला उसी रेशियो में पैसे बांट दिए, काम खत्म। ड्यूरेशन के बारे में कुछ दे नहीं रखी, ड्यूरेशन दिया होता तो हम उसको भी कंसिडर करते, बट यहाँ ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है, सब इक्वल है, तो दैट इज ऑल गुड। ओके, moving on to the next concept, that is the concept of ages, right? This is again a previous year question, और हम देखेंगे इसको कैसे करना है। देखिए, इसमें क्या है कि the current age difference between two persons is 25, and 9 years before the elder one's age was 6 times that of the younger one. Okay, what is the sum of their current ages? अब again पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें दो एडवाइसेस दूंगा, है ना, मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूं तो कोशिश करता हूं ऐसी एडवाइसेस दूं जो तुम्हें एग्जाम में काम आए, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप देखें इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन एक पार्टिकुलर टॉपिक से अरिथमेटिक्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस में आपको, आपके लिए सिर्फ दो एडवाइसेस है मेरे पास, जस्ट टू एडवाइसेस। एडवाइस नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद द करंट एज। ये टॉपिक भी आपके कॉलेज में मैंने करा रखा है, ठीक है, तो जो बच्चे वहां पे थे उनको ये सब याद आ रहा होगा, एक रिमाइंडर जा रहा होगा, और अगर नहीं थे तो अभी इसको ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है, करंट एज से, बिकॉज कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 9 years before, 10 years after, 10 years hence,
है ना, वो हमेशा आगे पीछे की बात करेंगे लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। आपको उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो उस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले चीज तुम किसका ध्यान दोगे, तुम क्वेश्चन की शुरुआत करंट एज से करोगे। अगर वो 9 years बिफोर की बात कर रहे हैं तो अगर करंट एज एक्स है तो 9 years बिफोर एक्स माइनस 9 होगी। हम इसको एक्स नहीं लेंगे, हम करंट एज को ही एक्स लेंगे, ध्यान रखना। सो एडवाइस नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद द करंट एज। आई हैव जस्ट दो एडवाइसेस एंड द टॉपिक इज ओवर। ओके, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, करंट एज के अलावा क्या आप दूसरी एडवाइस ये ध्यान रखेंगे कि जो एज डिफरेंस होती है, एज डिफरेंस दिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एज डिफरेंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में कितने ही आगे की बात करें पीछे की बात करें, एज डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। राइट, मेरे फादर अगर मेरे से मेरे जन्म के समय 33 साल बड़े थे तो आई एम श्योर वो आज भी 33 साल ही बड़े हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ गया। ठीक है, सो एज डिफरेंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ दो बातें हैं एज के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, बाकी सब अरिथमेटिक्स है। एज के कॉन्सेप्ट में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से तुम्हें समझना है और अप्लाई करना है। ओके, तो आओ चलो। राइट, ये अगेन ये भी तुम्हारे कॉलेज में किया हुआ है और इस पे हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कैसे करने का है। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। राइट, ध्यान से देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, द एज डिफरेंस ऑफ 2% इज 25। ठीक है, करंट एज डिफरेंस बहुत बढ़िया, 2% है, कौन से दो है पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ। ठीक है, इनका डिफरेंस मैंने लिया 25। अब जैसे ही मुझे ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन बाकी है तो अब इतना ही टाइम लगेगा ना, आप देखते हैं। 9 years before द एल्डर वन, अब एल्डर अगर मैंने इसको लिया है कि एक्स माइनस वाई इतना है तो एल्डर क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि एक्स की बात कर रहे हैं, है ना। 9 years बिफोर यानी कि एक्स माइनस 9 में फटाफट से लूंगा। एल्डर वन एज वॉज 6 times दैट ऑफ द यंगर वन, यानी यंगर वन उस समय कितना रहा होगा, वाई माइनस 9 रहा होगा, बस दैट इज ऑल, हो गया ना, काम ही खत्म हो गया। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ देयर करंट एजेस, आपको बताना है x प्लस y कितना होगा। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, शायद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आइए मैं कर देता हूं। देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये x माइनस 6y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इधर राइट साइड पे कितना आ जाएगा, ये 6y इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 54, और माइनस 54 है तो इधर जाकर के ये हो जाएगा माइनस 45, या माइनस 9 इधर जाएगा। तो ठीक है, तो दो इक्वेशंस हैं तुम्हारे पास और दो अननोन है। अब क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो देखते हैं ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऐड करने पे ये आ जा रहा है माइनस 7y, और ये कितना आ जा रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 20। तो अच्छा, ऐड करेंगे तो ये x भी रह जाएगा, ऐड नहीं करते, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, बिकॉज x भी रह जाएगा ना बच्चों, तो चलो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि x कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेट्स से मैंने फर्स्ट में से सेकंड सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 5y आ गया, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से y इज इक्वल टू 14 तुम्हें पता लग गया। एक बार एक चीज पता लग गई तो दूसरी चीज को देखने में तो वैसी तकलीफ नहीं होती। कितना हो जाएगा, 24 + 25, है ना। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, दैट इज कमिंग आउट टू बी 39। इन्होंने बोला था कि बताओ दोनों का सम कितना है। ठीक है, तो 39 + 14 आप जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, दिस विल बी योर 53। ठीक है, सो दैट शुड बी द आंसर। आप में से कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा है। राइट, सरोज एंड आयुष, बिल्कुल सही है बेटा, वेल डन। तो ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। अक्षय तुम्हारा स्क्रीन टच हो रहा है बेटा, प्लीज डोंट टच इट, एनोटेशन हो जाएंगे फिर सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। ओके, तो इस तरीके से बहुत इजीली अगर आप देखें इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है तो इतना कुछ नहीं था, बस दो सिंपल इक्वेशंस बन रही हैं, इन्हीं दो बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा गया है। राइट, और किसी भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो सिर्फ उसकी लैंग्वेज घूम फिर सकती है, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जा रहा है जिसका। ठीक है, आओ चलो आगे देखते हैं और क्या हमारे पास है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ऐसा करते हैं कि मैं आपको क्यों ना इसके लिए 1 मिनट का टाइम दूं, ट्राई करो, द स्टॉप वॉच इज ऑन एंड यू कैन टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चैट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं, मैं चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा है, सिर्फ ABCD बता सकते हो, तुक्का मत लगाना।
20 seconds more. फिनिश. किसी का भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या बात है भाई. अच्छा अब आने लगा. अनुराग, पप्पू अंसारी, दो लोगों ने, एक ने रिस्पॉन्स दिया 5, दूसरे ने दिया 10. ठीक है, आओ चलो देखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, राइट. स्पीड टाइम डिस्टेंस काफी डिटेल में मैंने आपके क्लास में करा रखा है. ठीक है, इसका वीडियो भी है. अगेन मैं कहूंगा कि अगर नहीं तुमने क्लास अटेंड किया तो अटेंड वीडियो देख लेना. क्या कॉन्सेप्ट होता है डीएसटी, distance is equal to speed into time, speed is equal to distance upon time, time is equal to distance upon speed. एक डायग्राम से सारी चीजें क्लियर रहती हैं, एक सिंगल डायग्राम से. ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि another person travels the same distance, यानी क्या constant है यहाँ पे, distance constant है. अगर distance constant है तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि S1 T1, यानी जो first case में जो भी speed और time लग रहा है, right, that should be equal to S2 T2 because the distance is constant in both the cases. अब हमें कितनी बातें पता हैं, आओ जरा देख लेते हैं. पहले केस में कह रहे हैं कि जो साइकिल से जा रहा है is going at 7.5 किलोमीटर पर आवर. 7.5 को मैं 15/2 लिखना चाहता हूँ, आप चाहो 7.5 लिख लो, मर्जी है. मैं जनरली डेसिमल को रेशियो में देखता हूँ तो मुझे कैलकुलेशन फास्ट लगती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनदर पर्सन, अब इसने कितना टाइम लिया पता नहीं, मान लो टी लिया. ठीक है, दूसरा, द अदर पर्सन इज ट्रैवलिंग एट व्हाट स्पीड, ही इज ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर. बहुत बढ़िया. और ये क्या कर रहा है, राइट. अब देखो, दोनों ने शुरू किया था ये साइकिल से कि अनदर पर्सन ट्रैवल्स इन द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 एंड रीच 30 मिनट्स अर्लियर. ये 30 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब इसने कितना टाइम लिया, टी माइनस हाफ लिया. ठीक है, अगर तुम चाहो तो टी माइनस 30 ले लो. तो उस केस में फिर सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा बच्चों कि आपके पास जो टाइम आएगा वो मिनट्स में आएगा, इसका ध्यान रखना. क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मिनट्स में. छोटी छोटी चीजें हैं जिसके वजह से लोग सिली मिस्टेक करते हैं. तभी आप में से किसी का आंसर 5 था, दूसरे का 10 था, तो आई एम श्योर आप कुछ सिली मिस्टेक ही कर रहे होंगे. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि अगर ये मिनट दे रखा है तो घंटे में कन्वर्ट कर लो ना. ठीक है, आओ चलो देखते हैं कितना आ रहा है. तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया, ये इसको इधर ले गया तो ये 4 आ गया. तो इधर अपने पास क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 4t - 2. ठीक है, 4 से जब 1/2 करूं कितना जाएगा, -2. अब इधर कितना आ गया बच्चों बताओ, दिस इज 3t = 2. 3t = 2, यानी तुम्हारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू 2/3 आ गई. ये 2/3 क्या है, आवर्स है, 2/3 आवर्स है. तो बताओ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इन्होंने पहले ही दे रखा था और टाइम तुमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या ये चेक करने में बहुत परेशानी होने जा रही है, नहीं. व्हाट इज द आंसर, 5 किलोमीटर. ठीक है बच्चों, इफ यस जस्ट अगेन राइट ओके इन द चैट बॉक्स, जल्दी से ओके लिखो. अगर समझ में आया तो ओके लिखो. इसकी वीडियो भी ऐसे अवेलेबल है. द गुड साइड इज कि इसकी डिटेल पूरी टाइम डिस्टेंस की वीडियो, पूरे 60 या 70 मिनट्स की एक पूरी डिटेल वीडियो है जिसमें टाइम डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सब कुछ अवेलेबल है बेटा. ठीक है, तो अगेन आपकी अपनी विलिंगनेस है कि तुम कितना सीखना चाहते हो. ठीक है, मैंने काम करके रख दिया आपके लिए, बाकी आप कितना सीखना चाहते हैं, आपने पहले भी कर रखा है और अगर नहीं किया तो अभी भी चॉइस है, दैट इज योर. ठीक है, तो आप देखिए कैसे आप उसको करेंगे, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है. वीडियो भी अवेलेबल है रिवीजन के लिए, या किसी ने मिस किया था तो उसके लिए भी. चलो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइमर ऑन करूंगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 60 मिनट्स. कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं, चैट बॉक्स. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और मैं आपको बता दूं रिमाइंडर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लिख के ले लो. अभी 2 दिन के बाद पेपर दे रहे हो ना, रिमाइंडर का क्वेश्चन कंफर्म तुम्हारे पेपर में आएगा. टीसीएस का ट्रेंड है बेटा, राइट. मैं यही काम इतने साल से कर रहा हूं, रिमाइंडर क्वेश्चन कभी छोड़ते ही नहीं वो. बिल्कुल सही है प्रदीप, वेल डन, 8 इज द करेक्ट आंसर, शाबाश. और ये ओरली होना चाहिए,
ठीक है। देखो भाई टाइम तो ओवर हो गया, टाइम इज ओवर राइट। अभी तक एक बच्चा है प्रदीप कुमार जिसने आंसर दिया है और मेरे ख्याल से वो सही है। ठीक है आओ एक बार करके देख लेते हैं, बिकॉज मैं जो मुझे ऐसे कोई फॉर्म आंसर्स याद नहीं रहते, लेटेस्ट क्वेश्चंस निकालता रहता हूँ इंटरनेट से, तो कोई सारे क्वेश्चंस करके नहीं बैठता। लेकिन हाँ जो मैंने अभी ओरली सॉल्व किया तो मुझे भी 8 ही दिख रहा है। ठीक है आइए देख लेते हैं, लेट अस वेरीफाई दिस, क्या इसका पैटर्न होता है, कैसे करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर्स फैक्टर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीसीएस के लिए और भी कई एग्जाम्स के लिए। इसका भी बहुत डिटेल्ड वीडियो, 40-40 मिनट का वीडियो मैंने बना करके उसी प्लेसमेंट वाले प्लेलिस्ट में डाल रखी है। अगर कोई इसको अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वहां से देख सकता है। ठीक है प्लेलिस्ट अगर ढूंढने में परेशानी हो तो व्हाट्सअप कर देना, आपको मैं भेज दूंगा कि कैसे, प्लेलिस्ट की लिंक भेज दूंगा। ठीक है चलिए देखिए, फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखने का तरीका सीखो क्या है। ये 29 रेज टू द पावर 31 है, ठीक है, और इसकी होल पावर 109 है। ठीक है 21 की पावर 31, होल पावर 109। पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आने चाहिए। ठीक है तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आने चाहिए बेटा। और इसको किससे डिवाइड करना है, 9, 9 से डिवाइड करना है। पूछा गया बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर के लिए ना सिर्फ रिमाइंडर रिस्पॉन्सिबल होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है जिन लोगों ने रिमाइंडर पे, मैंने आपके बहुत डिटेल क्लास ले रखी है, ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे इसका। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये 27 है, 27 से क्या देगा, 2 देगा राइट। 29 जब मैं देखूंगा 9 से डिवाइड करके तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। ओके तो ये जो हो गया दिस इज 2, और रेज टू द पावर कितना आ गया, 31 इंटू 109। ठीक है दैट इज व्हाट इट इज। अब 31 इंटू 109 करने में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को हो रही है तो देखो मैं तो कुछ इस तरीके से करता हूँ, मैं इस कैलकुलेशन को कुछ इस तरीके से करता हूँ। मैं 109 को लिख देता हूँ 100 प्लस 9, तो 31 को 100 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 3100। और 31 को 9 से मल्टीप्लाई करने में भी इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमें ये दिख जाता है कि ये कितना हो जाएगा, 279। और फिर इसको ऐड करके अगर तुम देखो तो 3379 दिखना शुरू हो जाता है राइट। तो ये जो अपने पास वैल्यू है दिस इज 2 रेज टू द पावर 3379। रिमाइंडर के लिए सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करते हैं, नंबर पे नहीं। मेरे पास 29 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आया, मैंने 2 पे फोकस किया, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है अब क्या करें, अब इसके बाद फिर से आप 2 को तो डिवाइड कर नहीं सकते है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस तो तुम लोगों ने पढ़ रखी है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस तो तुमने पढ़ी है बेटा, नहीं पढ़ी तो देख लो। ए की पावर बी होल पावर सी अगर कभी भी है तो ये क्या होता है, ए की पावर बी इंटू सी होता है। और अगर ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी है तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर बी प्लस सी। बस ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं सर्ट्स और इंडिसेस की, लेकिन हाँ फिलहाल ये दो प्रॉपर्टी तो आपको जरूर से आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को इफेक्टिवली करने के लिए। ठीक है अब मैं क्या करूंगा, 2 की एक ऐसी पावर ढूंढूंगा जिससे कि रिमाइंडर या तो 1 आए या -1 आए, -1 रिमाइंडर भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है तो मुझे 2 की पावर 3 दिख रही है, तो मैं इसको 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ध्यान से देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ, एज्यूमिंग कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है देते हैं तो बहुत अच्छी बात है राइट। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये 7 आ गया, 7 से मेरे पास 2 आ गया, यहाँ पे ये चीज हो गई 1, तो ये आ गया 19, 19 ये 6 से जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे, ये जो क्वोशेंट आया, ये जो आपका क्वोशेंट आया, ये आप यहाँ लिखेंगे 1126, दिस इज 1126 और इंटू 2 की पावर 1। ठीक है तो एग्जैक्टली तुमने इस नंबर को ये दो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस यूज करके रिप्रेजेंट कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है बच्चों जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट बैक टू द स्लाइड, हियर इट वाज राइट, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये क्या है, दिस इज 8, 8 को जब तुम 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया प्रदीप, स्लाइट मिस्टेक कर दिया तुमने, कोई बात नहीं, इट वॉज वेरी क्लोज आई मस्ट से गुड। ठीक है तो देखो यहाँ तुम्हारे पास -1 आ गया, -1 को जब 1126 से रेज करोगे तो ये ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 इंटू 2, यानी कि फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है जिनको भी थोड़ी भी परेशानी आई है मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, बिलीव मी रिमाइंडर से कोई और डाउट तुम्हारा बचेगा नहीं। ठीक है
तो दैट वॉज अ क्वेश्चन ऑन रिमाइंडर्स, द आंसर विल बी टू इन दिस केस. ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू नो इट. ओके, चलो देखो आगे बढ़ते हैं. अगेन ये क्वेश्चन भी रिमाइंडर्स पे है, मैं आपको फिर से एक मिनट का टाइम देता हूं, ट्राई करो, टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. Any answer? Sanoj Kumar, Pradeep, Juhi, Vaibhav, Anshika, Rajat, Deep Shikha, Pappu, Shamsuddin, Anil, Mehfooz, Pratham, Zarka, Surabhi, Abhishek, Vaseem, Anurag, Ayush. Batao bhai, answer batao. Rehan. एक मिनट तो हो गया बच्चों, वन मिनट इज डन. वैभव का आंसर है ए, आयुष का आंसर है अनेबल. अच्छा कोई बात नहीं, मैं अनेबल से एबल करने की कोशिश करता हूं. ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो नंबर है आपके पास 5678, जब हम इसको 3460 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 35 आएगा. ऐसा क्या इसमें ऐड कर दें, है ना, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5678, व्हाट मस्ट बी एडेड, लेट्स से एक्स इज एडेड, हमें एक्स एक्स वाले चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं, सो दैट व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 460 तो अपने पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 35. ठीक है बच्चों, मैं अगर इस क्वेश्चन को देखना शुरू करता हूं तो ऐसे तो मैं अभी पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन हमेशा लॉजिकल तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. जैसे ये 460 है और लास्ट में रिमाइंडर मुझे 5 चाहिए, ये इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि मुझे 5 मिल जाए, बस एक ही चीज दिखती है कि जोड़ के 5 मिलेगा, 797. सिर्फ एक चीज ऐसी दिखती है कि अगर मैं इसमें 79, देखो लॉजिकल भी होना पड़ेगा बेटा, सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करके तुम क्वांट क्लियर नहीं कर सकते हो, राइट. क्वांट का मतलब ही होता है बेसिक मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. इट मींस व्हाट, बेसिक मैथ्स प्लस रीजनिंग, लॉजिकल तुम्हें होना चाहिए. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ऑप्शन नंबर बी मार्क करने को तैयार हूं. इसके पीछे क्या लॉजिक है समझने की कोशिश, मैं सॉल्व भी करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले समझने की कोशिश करूं कि अगर बिना सॉल्व किए बात बन जाए तो क्या कितनी अच्छी बात होगी. ठीक है, हमें किसी भी नंबर को 460 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 5 होना चाहिए. भाई 460 से कोई भी नंबर है, राइट, उसका लास्ट डिजिट जब मैं यहाँ पे जब भी करूंगा तो लास्ट डिजिट तो जीरो ही आएगा ना. अगर लास्ट में मुझे 5 चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए. तो मैं इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करूंगा कि लास्ट में 5 आ जाए. इन ऑप्शंस में देखो ना, ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस क्यों दे रखे हैं, यूज करने के लिए दे रखे हैं ना, यूज करो ना. जैसे ही तुमने ऑप्शन यूज किया, सिर्फ ऐसा एक ऑप्शन है जिसको कि मैं ऐड कर रहा हूं तो लास्ट डिजिट मुझे 5 मिल रही है, दैट हैज टू बी द आंसर. हाँ वो बात और है कि आप क्रॉस चेक कर लो. ठीक है, मैं अगर एग्जाम में हूं तो मैं तो इतने पे भी मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा. इट विल टेक 2 seconds टू मार्क द करेक्ट आंसर, 5 seconds टू गेट द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स ऑल. ठीक है, आओ फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं. राइट, रजत ने कहा 797, बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कह रहा हूं रजत. राइट, आइए इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं. और मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की कि इसमें इस तरह क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप पूरे मेथड से सॉल्व करें, मेथड के यहाँ पे मार्क्स नहीं है ना बेटा, यू डोंट हैव एनी मार्क्स फॉर द मेथड्स. ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, TCS का टेस्ट जो आप देने जा रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. ठीक है, यू वोंट गेट ऑप्शंस. जिसमें ऑप्शंस थे एक बार, जो मॉक टेस्ट का मैंने लिंक इस PDF में दिया है, वो तो मॉक टेस्ट तुम दे ही लेना ताकि तुम्हें एग्जैक्ट रियलिटीज पता लग जाए. तो लास्ट ईयर तक क्या था इसी टेस्ट में, जो ये पूल कैंपस टेस्ट है, राइट, इसमें ये था कि ऑप्शंस में जिसमें भी ऑप्शंस थे उसमें 0.33 नेगेटिव मार्किंग थी. ठीक है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग थी, और जिसमें ऑप्शंस नहीं है, राइट, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो इस बार के पैटर्न में मेरा अपडेट ये कहता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, लेकिन फिर भी आप एक बार जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट TCS ने अपलोड किया है, इसका लिंक मैंने आपको दे दिया है इस PDF में, आप उसको जरूर से देख लेंगे इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, सो दैट यू हैव द लेटेस्ट अपडेट्स. है ना, स्ट्रैटेजी सही रखो बच्चों,
सिर्फ नॉलेज से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज से आप किसी भी चीज में सफल नहीं होते हैं। नॉलेज के साथ साथ अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आप ये देख पा रहे हो कि हाँ क्या चीज हो सकती है, उसको कैसे काउंटर करना है, लॉजिक भी लगा सकते हो तुम, तभी तुम उसके लिए एक्चुअली प्रिपेयर्ड हो। तो ये बेसिक बातों का ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आइए वेरीफाई करते हैं। लेट अस क्विकली लुक इनटू दिस। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरीफाई करने वाली, ऐसी की बात नहीं है। सर इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रदीप, राइट। मैंने भी अभी यही बात कही कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप एक बार जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट तो आप जरूर से दे दीजिएगा ना। TCS की अपनी पोर्टल पे मॉक टेस्ट आपके लिए उन्होंने अपलोड किया है, तो यू शुड अपेयर फॉर दैट। उससे काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें पैटर्न को समझने में, ठीक है। तो चलो देखो मैं इसमें 797 ऐड करता हूँ, देखता हूँ। हालांकि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी चलिए एक बार वेरीफाई आपका करने का दिल कर रहा होगा तो कर लीजिए, राइट। दिस विल बी 5, है ना, 15 हो गया कैरी 1, यहाँ पे आपका पास 16 और ये आ गया 17 कैरी 1, दैट इज 14, 14 प्लस 1 15 और ये आ गया इतना, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6575। हाँ, किसी का माइक वाइक ऑन हो रहा है, बंद कर लो बेटा, राइट। चलिए देखिए माइक ऑन करने का मन सभी का करता है, ठीक है। चलो तुम्हारा जब TCS में एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तुम सिलेक्टेड हो जाओगे, मैं तुम्हें मुझे बताना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेकर के तुम्हारा माइक वीडियो सब ऑन करके जो है अपने चैनल पे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर के चैनल पे सब जगह पे डलवा दूंगा, ठीक है। तो तब माइक वीडियो सब ऑन करेंगे, बट देन यू हैव टू अचीव समथिंग फॉर दैट, ओके। चलिए देखिए, तो सिर्फ रिमाइंडर पे वर्क करना है, इधर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। सिर्फ देखो हमेशा मैं ये कहता हूँ, जो चीज पूछी गई है सारा फोकस उस पर रखो, अननेसेसरी कैलकुलेशन बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये 1975 आ गया, राइट। अब मुझे कितने से जाएगा, मुझे दिख रहा है 4 से चला जाना चाहिए, तो 4 से देखता हूँ। 4 से गया तो ये हो गया, 4 से हो गया 24, ठीक है। और ये कितना आ गया, 24 और 4 से 16 और 2, यहाँ पे 8 होना चाहिए था ना, दिस शुड बी 8, राइट, बिकॉज ये हमारे पास 14 में से जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली 85 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 35। तो बिना कैलकुलेशन के भी हम ये आंसर स्ट्रेट अवे निकाल सकते थे, ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो रिमाइंडर पे कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, समझने की बात तो ये है, ठीक है। रिमाइंडर पे कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, समझने की बात तो ये है, ठीक है। तो चलो फिर से मैं टाइमर ऑन करता हूं, देखो जरा ट्राई करके जल्दी से बताओ। हाँ हमने करना है, और हम बोलते ना ये स्टूडेंट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज द माइक, राइट। डोंट यूज द माइक शोभित, तुम अपना माइक बार बार ऑन कर ले रहे हो, ठीक है, माइक ऑफ रखो। चलो देखो, सो दिस इज द क्वेश्चन, और अभी तक अगर मैं रिस्पॉन्सेज चेक करूं तो 3 रिस्पॉन्सेज हैं, 5, 7 and 5, ठीक है, 5 इज करेक्ट, ओके, क्वेश्चन मार्क करके पूछा गया है सही है कि नहीं। चलो देखते हैं क्या है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 50 लीव्स अ रिमाइंडर 16। किसी भी, मैं, मेरी आदत है ना कि मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको पढ़ने के साथ साथ उसको ना इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता हूँ। क्या कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास रिमाइंडर 16 आ रहा है, ठीक है। मैंने ये रिमाइंडर का फॉर्म लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, कई बार इसको लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, ये भाग्यफल नहीं है, ये शेषफल है, ठीक है। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, अगर मैं इसी नंबर को 80 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जो है ये n आता है। तो पूछा गया बताओ n की कितनी वैल्यू हो सकती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को करने का पैटर्न भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आइए जल्दी से फिर से कर लेते हैं।
होता यह है कि जो 50 है इसको हम लोग को प्राइम में स्प्लिट कर लेते हैं। को प्राइम 50 का कितना होगा? 25 × 2 होगा। कितना होगा? 25 × 2, यानी मेरे पास 25 और 2 के कॉम्बिनेशन से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। यानी 16 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 25 से करूंगा तो ये 16 आएगा, ठीक है। और फिर अगर सेम नहीं होता तो डिवाइजर ऐड करते जाते हैं, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, तो सबसे पहला छोटा नंबर जो कॉमन है दोनों में क्या होगा? 16। इसीलिए हमारे पास 50 से रिमाइंडर कितना होगा इस नंबर का? 16 हो जाएगा, राइट। दैट इज दी की कॉन्सेप्ट। अब अगर यहीं पे मैं इसी नंबर को, बिकॉज नंबर सेम है, अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? अब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 80 से। तो 80 के लिए मेरे पास को प्राइम्स क्या है बच्चों? 80 के लिए मेरे पास को प्राइम्स हैं 16 और 5। तो ये रहा 16 और ये रहा मेरे पास 5, ठीक है, 16 और 5। तो 5 से अगर मैं रिमाइंडर देखूं तो 5 से रिमाइंडर, अगर मेरे पास 25 से रिमाइंडर 16 है तो 5 से रिमाइंडर कन्फर्मिटी से सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी मेरे पास नंबर है अगर मैं उसके फैक्टर से देखूंगा तो रिमाइंडर से रिमाइंडर आता है, ठीक है। अगेन जिसको भी थोड़ा भी डाउट है इसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब 16 से देखूंगा तो 16 से देखने के लिए मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि 2, अब देखो 2 जो है वो 16 का फैक्टर है, यहाँ पे 25 जो है वो 25 का फैक्टर है, सो दैट इज ओके। तो यहाँ 2 से रिमाइंडर 0 है, तो मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि जो मेरे पास नंबर है वो नंबर एक इवेंट नंबर है। वो क्या है? वो एक इवेंट नंबर है। तो अगर इवेंट नंबर है तो इवेंट नंबर में मेरे पास क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं? 16 से 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इवेंट नंबर है, ठीक है। तो 6 हो सकता है, ऐसी बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा? ये 14 तक जाएगा। कितने रिमाइंडर पॉसिबल हैं बच्चों? 8 रिमाइंडर पॉसिबल हैं, 8 16 से। तो टोटल रिमाइंडर कितने पॉसिबल होंगे? द आंसर इज 8, ओके। सो द आंसर इन दैट क्वेश्चन इज 8। जिन लोगों का 5 आ रहा है, राइट, अंशिका, माहिरा, आयुष एंड प्रदीप का भी डिफरेंट है, ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दें। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अभी चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हालांकि इसका वीडियो भी अवेलेबल है बच्चों, ओके। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में जितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होंगी उतने पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। 5 से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, राइट। मैं यहाँ थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि तुम में से किसी का भी आंसर सही नहीं आया, राइट, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। ध्यान से देख लो आयुष एंड एवरीवन, राइट। जैसे कि मान लो मेरे पास ये डिवाइजर्स थे 16 और 5, मेरे पास यहाँ पे x पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं और यहाँ मेरे पास y पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। तो टोटल मेरे पास 80 से कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे? x into y पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, ध्यान रखना। 5 से मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल रिमाइंडर है 1, और 16 से मेरे पास 8 पॉसिबल रिमाइंडर है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने होंगे? 8 × 1, यानी कि 8 रिमाइंडर पॉसिबल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप दैट इज फाइन नाउ, ठीक है। फॉर डिटेल प्लीज वॉच द वीडियो, ओके। आई कैनॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वन पर्टिकुलर टॉपिक, यू हैव योर एग्जाम जस्ट 2 डेज आफ्टर दैट, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये LCM HCF पे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते रहे हैं, और बड़ा अच्छा और आसान सा सवाल होता है, राइट। वॉट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इसको ऑप्शन से कर लेना चाहिए। ध्यान से सुन लो मैं क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ? ऑप्शन से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला लार्जेस्ट नंबर, तो मैं 905 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे, क्या इसमें से ये सबको डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। 905 कभी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं होगा ना, ये भी डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अच्छा फिर अगले नंबर पे जाता हूँ, ऑप्शन से करेंगे हमें, ठीक है। हमें क्या करना है? जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, जरूरी ये है कि आप हर क्वेश्चन को सही तरीके से ऑप्शन गेस करें। बात को समझे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग अ क्वेश्चन एंड गेसिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेस द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी किसी ने आंसर दिया है, जरका ने आंसर दिया है, राइट। तो जरका बेटा ध्यान से चेक करो, मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे आंसर ध्यान नहीं रहता बेटा, आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। 905 क्यों आंसर नहीं है? बिकॉज ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। मैं लार्जेस्ट से मैंने शुरू किया, फिर मैंने 498 पाया, 498 में सारे मल्टीपल्स इसके ऑड ही होंगे, इवन ही होंगे, तो अगेन ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। फिर मैं आया 351 पे, हाँ 351 में तो सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। 351 में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 351 से मतलब सिर्फ एक नंबर तुम्हें देखना पड़ेगा कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये कर दिया तो ये आंसर, नहीं किया तो बिना चेक किए मार्क कर दूंगा 257। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
बिना चेक किए अपन मार्क करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 351 हो जाएगा या फिर 257 हो जाएगा, व्हाटएवर। तो मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा, 351 चेक करूंगा। ध्यान से देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई रूल नहीं लगाया, कोई रेगुलेशन लगाया। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे बता रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी तुम्हारे एग्जाम में आने जा रहे हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो उसकी वेटेज ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होंगे तो कैसे करोगे, इसकी बात भी मैं जरूर से करूंगा। आओ पहले चेक करते हैं कि हमारा आंसर 351 है या 257 है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने 351 ऑप्शन में करके दिया है, तो आइए देखते हैं, किसी ने 257 भी दिया, जरकर ने दिया था, बाकी तीन लोगों ने आयुष, प्रदीप और शोभित ने 351 दिया है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, लेट अस चेक इट, क्विकली चेक करते हैं। तो 351 मुझे समझ में आता है, क्या ये किसी का फैक्टर दिख रहा है तुम्हें? 3 से 7 से जाएगा क्या? 7 से भी नहीं जाएगा, राइट, 3 से चला जाएगा, राइट। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो भी हमारे पास ऑप्शन हैं वो सब के सब 3 के मल्टीपल। मतलब मैं अगर इस नंबर को देखूँ थोड़ा ध्यान से, तो ये कितना दिख रहा है मुझे, ये 3, 1, 1, 21, यानी कि 117, ठीक है। और 117 मुझे बड़ा अच्छा दिखता है, कैसा दिखता है 117 मुझे दिखता है 9 × 13, यानी ये जो मेरे पास नंबर है ये एक्चुअली में 3, 9, 27 और 13 सभी से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये सभी से डिविजिबल है तो है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं तो कहूँगा सिर्फ 13 से देख लो, किससे देख लो, सिर्फ 13 से देख लो, काम हो जाएगा, राइट। तो 13 से देख लो, 13 से देख लेते हैं। तो ये 9 से भी देख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, 9 से ही देख लो। जैसे मैंने तुम्हें इसको सम किया, सम किया तो कितना आ गया, सम किया तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 11, और ये हो गया 18, बहुत बढ़िया, ये तो 9 से चला जाएगा, ठीक है। इसको मैंने देखा 9 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 18, और 18 प्लस ये भी 18 हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी 18 हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी चला जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 और 9, 9 = 15, 15 + 3 = 18, 18 ये भी चला गया, 18 भी, ये भी चला गया, और क्या बचा, राइट, दिस इज, इसको ज़रा दोबारा चेक करो भाई, ये रहा 9, ये रहा 9, बचा क्या, बचा ये, तो दिस इज कमिंग आउट टू 14 और 15। ये देखो ये 9 से नहीं जा रहा है, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है, ये तुम्हारा 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना, महफूज हसन का आंसर आ रहा है ए, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा 351 नहीं होगा, फिर इसका आंसर 257 ही होना चाहिए था, ठीक है, इट शुड बी 257। आइए चेक कर लेते हैं, कन्फर्मिटीज चेक कर लेते हैं। मैं तुम्हें अभी, मैंने कहा भी कि मैं इसका तुम्हें एग्जैक्ट सोल्यूशन भी दूंगा कि अगर तुम्हारा ऑप्शन नहीं भी है तो भी तुम कैसे चेक करोगे। फिलहाल 3 ऑप्शन अगर रिजेक्ट हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इस तरीके से सॉल्व करने के मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तुमने क्या किया, तुमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किए हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस तो विद इन सेकंड्स एलिमिनेट हो गए थे, 1 ऑप्शन एलिमिनेट करने में टाइम लगा, बट हाँ आंसर पता लग गया। जैसे हमने देखा भाई ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो हमने देख लिया कि भाई आंसर क्या होगा, 257 ही होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के चेक कर सकते हैं, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर फिर कितना हो जाएगा, 257 होना चाहिए, ओके। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, आप लोग ध्यान से सुने, ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर योर हॉल टिकट ऑफ TCS एट tp.ssvgi@gmail.com लेटेस्ट बाय टुडे, सो दैट आई कैन इन्फॉर्म टू द कंसर्न पर्सन ऑफ TCS दैट दे आर आवर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। तो ये आपके लिए, आपके हित की बात हो रही है, अगर आप ये हॉल टिकट शेयर कर देंगे तो कॉलेज की तरफ से, नितिन सर की तरफ से आपको काफ़ी वहाँ पे बेनिफिट पहुँच सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, आपको सबका स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। ऑल राइट, तो आओ देखो, अगर इसमें ऑप्शंस नहीं होते बच्चों तो क्या करते, राइट, अगर इसमें ऑप्शंस नहीं होते तो, अभी तो हमने ऑप्शन से किया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से किया, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है ये समझेंगे, ठीक है। देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, इनका आपस में म्यूचुअल डिफरेंस देखते हैं। सपोज करो, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सपोज करो तुम्हारे पास एक नंबर है एक्स, दूसरा नंबर है वाई, तीसरा नंबर है जेड, तो हम क्या करते हैं, इनका पॉजिटिव डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। तुम कह लो मॉड ले लो, तुम सभी लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, एक्स माइनस वाई का मॉड ले लो, वाई माइनस जेड का मॉड ले लो, और एक्स माइनस जेड का मॉड ले लो, तो जो भी पॉजिटिव डिफरेंस है तुम्हारे पास वो आ जाएगा। तुम्हारे पास 3 नंबर्स आ गए ए बी सी, इन तीनों नंबर का जो एच सी एफ होगा वही आंसर होगा। अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो कॉन्सेप्ट ये है, समझे ना, लेंदी है, इसीलिए हम लोग इससे नहीं सॉल्व करते हैं, बिकॉज पहले इतना सब्सट्रैक्शन करो, फिर वैल्यूज निकालो, फिर एचसीएफ निकालो, लेंदी है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन जब है तो ऑप्शन यूज करेंगे। बट अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो ध्यान रखना उसकी वेटेज ज्यादा होगी, और अगर वेटेज ज्यादा होगी तो तुम्हें आता है तो तुम्हें करना चाहिए। तो कैसे करोगे, डिफरेंस लोगे,
डिफरेंस है, जो वैल्यूज है उनका एचसीएफ लोगे, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो जरा सा लिख लो, जल्दी से लिखो GR8। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से GR8 लिखो, जल्दी से लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट, फिर आगे बढ़े। रिस्पॉन्स करने में बहुत टाइम लगाते हो, ऐसा लग रहा है पुराने जनरेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अरे यार नए जनरेशन के बच्चों जल्दी से करो यार, फटाफट से क्या करो, एकदम तेजी में फास्ट फास्ट मूव क्या करो। चलो ठीक है, दैट्स ओके राइट, बहुत अच्छी बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द कमिंग एग्जाम, ठीक है, बढ़िया करना। चलो देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस, देखो अब यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, ये रियल क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, रियल क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट आता है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है तो देख लो, कॉन्सेप्ट से करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस, यहाँ बीच में कॉमा होना चाहिए था, 246, 623, लीविंग द रिमाइंडर्स 6, 4, 6 and 11 respectively। तो देखो भाई, अगर ये नंबर 4 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब कि 144 तो उससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इतनी कॉमन सेंस तो हम सब में है, ठीक। सिमिलरली ये रिमाइंडर 6 रिमाइंडर, ये नंबर 6 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब 240 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से, समझ रहे हो कि नहीं। और ये नंबर अगर 11 रिमाइंडर दे रहा है तो 11 इसमें से घटा देते हैं, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 612। तो ये जो तीन नंबर्स हैं ये क्या करेंगे, उस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, और जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे तो इनका जो भी एच सी एफ है वही आंसर है, ठीक है। अब इनका एच सी एफ कितना है, आओ देख लेते हैं, लेट अस लुक इनटू दिस राइट। किसी ने ऑप्शन ऑप्शन देखना शुरू किया है, 12 लिखा है किसी ने, चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं राइट। तो इसका एच सी एफ कैसे देखते हैं, ये मेरे पास हो गया 16 9s। एच सी एफ कैसे देखते हैं राइट, मोसअप कैसे देखते हैं, 240 अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझे कितना दिख जा रहा है, ऐसे तो 12 × 20 दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से देखना चाहें तो कितने से जाएगा ये 16 से, चलो लिख लेते हैं फिलहाल, अभी इसको मैं 12 × 20 लिख लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 6 × करूँ तो 6 × 102 हो जा रहा है। अब देखो, एच सी एफ देखने का बेस्ट तरीका और फास्टेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये होता है कि तुम नंबर को कुछ इस तरीके से लिख लो, है ना, बेसिक तुम्हें जो है लंबे मेथड से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्टली आंसर देख पाओ, ठीक है। तो 2 की पावर 4 3 स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर लो, कितना हो गया ये 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 4, और कितना है अपने पास 3 है और 5 है, ठीक है। और इसमें अगर देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 × 2, 102 को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो 1, 2 यहाँ पे और ये 2 × 3 यहाँ पे, ठीक है। तो 6 को मैं कैसे देखा, 6 को मैं देख रहा हूँ 2 × 3, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर, और 17 कितना होता है बेटा, 17 × 51 होता है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 स्क्वायर × 17, बस काम खत्म हो गया। एच सी एफ हमेशा क्या होता है, इनके हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर जो कॉमन है उसका मल्टीपल होता है। लोएस्ट पावर मुझे 2 की कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है जो सब में कॉमन है। 3 की कितनी दिख रही है, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर यानी कि 3 राइट। और कोई भी चीज़ मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 स्क्वायर × 3 यानी कि 4 × 3 = 12। आप में से किसी लोगों ने सही से आंसर दे रखा था 12, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, और इसको इतने आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सर सम संख्या होगी, हाँ सम संख्या तो होगी, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना अभी, है ना शोभित, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी काफी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शंस यहां भी नहीं दिए गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 146 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 5⁴ n। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, इज ये भी बहुत डिटेल में आपके कॉलेज में पढ़ाया गया है, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, देख लो बिना टाइम नष्ट किए फटाफट से बताता हूँ। अगर कुछ लोग ट्राई करना चाहें तो ऑप्शन में बता सकते हैं राइट, एक आध बच्चे बता रहे हैं, 35 बता रहे हैं अनुराग। चलो देखो बताता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उससे हम लोग सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, यानी कि लगातार डिवाइड करते हैं। 146 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, और ध्यान रखना सिर्फ कोशेंट पे ध्यान देंगे, यानी भाग्यफल पे ध्यान देंगे, रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देंगे, वी वॉन्ट फोकस ऑन द रिमाइंडर, विल फोकस ओनली ऑन द कोशेंट। तो मैंने जब इसको 5 से डिवाइड करना शुरू किया तो ये आ गया मेरे पास 2, और ये कितना हो गया 46 यानी कि 9 से जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने इसको अब ये फिर से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी 5,
फिर से करेंगे कितना हो जाएगा, 1। बहुत बढ़िया अनुराग, शाबाश बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। आई एम श्योर तुमने इस टॉपिक को ढंग से कर रखा है, नहीं तो इतना फास्ट कोई आंसर नहीं दे सकता था। बहुत ही बढ़िया रजत एंड अनुराग, वेल डन, बहुत बढ़िया, दैट शोज तुमने इस टॉपिक को ढंग से कर रखा है। बहुत आसान टॉपिक है, एक बार किसी ने कर रखा है तो बहुत ईजी है, ठीक है। 36 गलत हो रहा है बेटा, 35 होना चाहिए सनोज, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन से करते हैं। ऑल राइट, आइए जल्दी से करेंगे, टाइम हमारे पास कम रह गया है, 7-8 मिनट रह गए हैं। जल्दी से एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन द नंबर गॉट इन द एक्सपेंशन, इसमें तुम्हें यूनिट डिजिट निकालना है। ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं बच्चों, प्लेसमेंट में जाकर के सारे वीडियोज मिल जाएंगे तुम्हें, ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। लास्ट डिजिट फैक्टर देखो, यहाँ दिखा भी देता हूँ तुम्हें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डिजिट अवेलेबल है, फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स अवेलेबल है, रिमाइंडर्स अवेलेबल है, ठीक है। ये जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक हैं, राइट, जिससे क्वेश्चंस काफी आते हैं, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। ज्यादातर अच्छी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। चलो देखो, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। किसी का आंसर क्या आ रहा है, 9? नहीं भाई, 9 तो नहीं होगा यार। चलो हो भी सकता है, देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 है तो 9 हो सकता है, ठीक है। लास्ट डिजिट के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, हम ये क्या करते हैं कि इसमें एक्चुअली साइक्लिसिटी चलती है, वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। साइक्लिसिटी चलती है तो फटाफट से इंडेक्स को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 की साइक्लिसिटी होती है। तो 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 10 को, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो लास्ट डिजिट की पावर 2 में जो आंसर होगा वही आंसर होगा, तो 9 बिल्कुल सही आंसर है भाई, शाबाश, वेल डन। ओके, तो 9 बिल्कुल सही आंसर है। आयुष, अनुराग एंड सनोज, पप्पू, ऑल गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगेन, इसके डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो जरूर से देख लेना, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए अगर आपको ये टेक्निक नहीं आती है तो आपको नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए, ये लेटेस्ट टाइप है, राइट। इस बार ये क्वेश्चन जो है नया ऐड हुआ है इनके डेटाबेस में, ये वाला ट्रेंड पहले नहीं पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये मैंने आपके कॉलेज में नहीं कवर किया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सम ऑफ द नंबर्स के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड बाय एन नॉन जीरो डिजिट्स, अभी मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ द नंबर्स बाय एन नॉन जीरो डिजिट्स इनटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, जितने भी एन है आपके पास, ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल इनटू 11111, कितनी बार, एन टाइम्स, दैट इज ऑलवेज द आंसर। क्या मतलब है, आओ क्वेश्चन में करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या नंबर है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्या बोला हमने, सम ऑफ द नंबर्स इनटू क्या बोला बच्चों, एन माइनस वन फैक्टोरियल इनटू 1111, कितनी बार, एन टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने जा रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, बहुत बढ़िया। तो सम कितना हो गया अपने पास, बताओ, सम हो गया हमारे पास 4 और 3, 7, 7 और ये हो गया 10, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10, ठीक है। तो ये तो कभी आंसर नहीं होगा, पहले देखना शुरू हो जाता ना, फिर मैंने देखा n माइनस वन, एन माइनस वन चार नंबर है, तो n माइनस वन कितना हो गया, 3 हो गया, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6, और 111 कितनी बार, n टाइम्स इन्होंने कहा है, ध्यान से देख लो बच्चों, कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। तो अपने पास चार नंबर्स हैं, तो चार नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 बार 1 लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, 4 बार मैं 1 लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 × 11111, क्या लिखोगे आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये लेटेस्ट एडिशन है, राइट, पहले इस तरह के क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं टीसीएस के पैटर्न में, बट हाँ इस बार जब मैं डिफरेंट ब्लॉग्स और फोरम्स को फॉलो कर रहा हूँ तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार दिखे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको शेयर करूंगा अभी इमीडिएटली, राइट, मैं सर को भी शेयर कर दूंगा, और जो भी बच्चे डायरेक्टली मेरे से जुड़े हुए हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उनको भी डायरेक्टली भी भेज दूंगा, ठीक है। मैं सर को अभी इमीडिएटली भेज दूंगा, नितिन सर को, तो आप सर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करेंगे, राइट। जहाँ कुछ परेशानी आएगी बताइएगा, देखो व्हाट्सएप पे अगर कुछ क्वेश्चन मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं बता दूँ तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, है ना। मैं अगर उसका वीडियो होगा तो मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा, क्योंकि होता ही है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर फोटो खींच के भेज दीजिए, यार फोटो खींच के भेजने में ना वो टेक्निक नहीं आती है जो टेक्निक मैं तुम्हें लाइव बताता हूँ या क्लास में बताता हूँ,
ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को जब मैं फोटो खींच के भेजूंगा तो मेरी वो फीलिंग्स नहीं ट्रांसफर होंगी जो कि हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बुरा ना माने, आप लोग जब मुझे कई बार फोटो खींच के सोल्यूशन भेजने बोलते हैं तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, इसलिए मैं कभी फोटो खींच के नहीं भेजता हूँ, ठीक है। या तो मैं उसको लाइव वीडियो के थ्रू ही बताऊंगा या फिर मैं लाइव आपके क्लासरूम में आके बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर मेरे पास उस टॉपिक का वीडियो होगा मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा, अदरवाइज हो सकता है मैं तुम्हें रिस्पॉन्स ना करूं। इसके पीछे सिंपल सा रीजन यही होता है क्योंकि वो सॉल्यूशन तुम्हारे काम का नहीं होता है। हाँ, आंसर मैं बता सकता हूँ कि आंसर इसका क्या आंसर है, बता दिए तो मैं आंसर बता दूंगा तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है, राइट। लेकिन सॉल्यूशन तो वो होता है जिसमें लॉजिक लगे, टेक्निक लगे, ठीक है बच्चों। सो आई विल स्टॉप इट हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट नितिन सर टू अगेन कम एंड एड्रेस द स्टूडेंट्स, राइट। नितिन सर इज हियर, या आई एम हियर, राइट 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 राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर।